सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, जीपीएस नहीं लगाने पर एक्शन होगा। तो बड़ी खबर बता रहे परिवहन विभाग का बड़ा फैसला इस बीच, सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनराज, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा, क्या कुछ पैमाने इसके? देखिए, हाल ही में आरटीए की बैठक की गई थी और जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो यात्री वाहन है जो शहर के अंदर चलते हैं उन पर जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं इसका विरोध भी विक्रम और जो ऑटो चालक है उन्होंने जरूर जताया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर समय दिया गया था कि एक माह के अंदर वो अपने गाड़ियों में जीपीएस लगवा लें, उसके बाद ही वो शहर में चल पाएंगे। लेकिन उसकी जो तारीख थी वो 15 फरवरी रखी गई थी कि 15 फरवरी तक सभी जीपीएस लगवा लें, लेकिन आज से कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो अभियान है परिवहन विभाग का वो चलता हुआ नजर आएगा। जो भी वाहन बिना जीपीएस के शहर के अंदर घूमता हुआ नजर आया उसकी चलानी कार्रवाई की जाएगी और उसको हिदायत दी जाएगी। धनराज, इसे लागू कराने को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जीपीएस नहीं लगाने पर एक्शन होगा, तो क्या वो इसमें मुस्तैदी बरतते हुए पुलिस प्रशासन की टीम नजर आएगी? क्योंकि देखिए, इसे लागू कराना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि इसको लागू कराना एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि लगातार विरोध वाहन चालकों का देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परिवहन इसको लागू कराने के लिए सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज से ही कहीं ना कहीं इस पर सख्ती दिखानी परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है और आज से ही ऐसे जो वाहन है जिन पे जीपीएस नहीं लगा है और शहर में घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई भी निश्चित है। क्योंकि जो परिवहन अधिकारी है सुनील शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने जीपीएस लगाने की बात कही है तो इससे कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।